का हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। लैब में काम करने वाले और लैब पर काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। किस किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना उसके आधार पर जो सोच की, इसी में से तो नई नई वैरायटी जा रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा भाई। किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है? ये किसान मेरे अंडर आ जाए, खाते में भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव, तो मेरे भी गांव का कलस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी, और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोग ग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल के उसकी नर्सरी बना करते हैं। सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है इसका तो कहना ही क्या है, और सिंचाई से भी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुनता हूँ ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूँगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वेराइटीज किसानों के चरणों में रखते हुए इसको आनंद नहीं। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता। इसी बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बातें पूछे। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड भी शुरू किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आए, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपने घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।